गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल शक्ति फिटनेस। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे चैनल के ऊपर एक मास गेन सीरीज स्टार्ट हो रखी है जिसकी 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आज की वीडियो होगी 4th वीडियो जो कि आपको लंच मील के 2 घंटे बाद लेनी है, जो कि आपको स्नैक में लेनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप मास गेन करना चाहते हैं। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नीचे आप जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना देर के। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो रेड कलर का बटन है उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, सेम अकाउंट है रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, जाइए वहां पे जरूर फॉलो कीजिए। और फेसबुक पेज भी है रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, अगर आपको कुछ भी फिटनेस क्वेरीज होती हो तो आप मुझे वहां डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। गाइस हमारे को यहां पे लेनी है 100 ग्राम राजमा, जिसको मेजर करके मैं लेता हूं यहां पे। तो आपको 100 ग्राम राजमा लेनी है यहाँ पे, फिर इसको हम बॉईल करेंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहे तो भिगो कर भी रख सकते हैं और अगर आप चाहे तो डायरेक्ट उबाल सकते हैं। तो या तो आप भिगो के रख ले अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट बॉईल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 96-97 ग्राम हो गई है और ये 100 ग्राम हो गई है। तो चलो अब इसको करते हैं बॉईल। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे राजमा जो कि 100 ग्राम लिए थे उनको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको 20 से 25 मिनट तक इसको बॉईल करना है, 20 से 25 मिनट में बॉईल हो जाएंगी। तो चलिए अभी इनको बॉईल होने देते हैं। तो दोस्तों हमारी स्नैक मील बनके रेडी है जो कि हमने 100 ग्राम किडनी बीन्स लिए थे और इसे हमने 20 से 25 मिनट तक बॉईल करा है और बॉईल करके मैंने रेडी कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा टेस्ट इसका बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है कि इसके अंदर आप हाफ लेमन यानी कि आधा नींबू काट के इसके अंदर निचोड़ेंगे और उसके साथ आप एक जो ग्रीन चिली, एक या दो ग्रीन चिली और उसके साथ में आप थोड़े से इसके अंदर अनियन कट करके डाल सकते हैं। फिर मिक्स करके एक तरीके से आपका स्प्राउट बन जाएगा तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा आपको और ये बहुत हेल्दी है क्योंकि किडनी बीन्स अगर आप मास गेन कर रहे हैं फिर मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके जो न्यूट्रिशन फैक्टर हैं बहुत ही बढ़िया हैं। क्योंकि इसके अंदर 100 ग्राम किडनी बीन्स के अंदर आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 127 कैलोरीज मिल जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप मास गेन कर रहे हैं या फिर आपके गोल्स हैं मसल बिल्ड करना है तो आपको किडनी बीन्स को अपनी डाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा इससे आपको अगर आप इसको अपनी डाइट में रखते हैं। तो ये थी आज की मील नंबर 4 जो कि स्नैक मील थी। और आप अगली वीडियो जो होगी वो होगी कि मास गेन करने के लिए आप प्री वर्कआउट मील के अंदर क्या खाएं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको परसों मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।